राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर सियासी बार पलटवार चल रहा है। कांग्रेस इसे बदला से प्रेरित बता रही है तो बीजेपी इसे हेरा फेरी बता रही है। आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ, आज फिर आगाज होगा निडर और बेखौफ होगा गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है, यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। झूठ की उनकी झूठ की अदालत में सत्य की विश्वास पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे, यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए। बापू, महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को आज जिस प्रकार से ठेस पहुंच रहा होगा ये हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है, ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुना। आज जो भी कार्यवाही हो रही है ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है, अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? तो आज कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के मकसद से सीनियर नेताओं को मोर्चे पर उतार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ ये तमाम नेता खड़े दिखे। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है तो ये हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार डर रही है आप लोगों से? आप देख नहीं रही है, कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया इस वजह से, अब आगे आप लोग क्या करेंगे सर? भाई, एक भी FIR उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। हाँ। फिर क्यों रोका जा रहा है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है? आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है, ईडी का पीछे में आगे पीछे में है, पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ CBI लग रहा है, ईडी आ गई है। अरे यार, कब तक चलेगा देश के अंदर? देश वाले जानना चाहते हैं मोदी जी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस कार्यालय को छावनी बना कर रख दिया है, कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ से नेता निकल नहीं पा रहे हैं, कितनी डरी हुई है, इतना डर ठीक नहीं है। लड़ाई लड़नी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, तो जितने भी ईडी को सामने कर रहे हैं तो इतना डरे डरी हुई भारतीय जनता पार्टी।